हेलो फ्रेंड, कुकिंग में डिजी बाय पिंकी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा करी। ये मजेदार रेसिपी है, आप ठंडी में एक बार बनाकर खाकर देखिए। कच्चा अंडा को अच्छे से ठंडा पानी से धुलाई कर लिया। अब एक पतीले में गर्म पानी रखा है, थोड़ा सा गर्म है, इसमें अंडा डालना है। 10 मिनट के बाद देखना अंडा बॉयल हो गया। फिर उसको गर्म पानी से उतार के ठंडा करके उसको छिलका उतारना है। सारे अंडे को छिलका उतार लिया। अभी एक चाकू से कटिंग करना है। कटिंग करना है, नहीं तो तेल में डालने के बाद ये फटता है। इसमें नमक, हल्दी इनको अच्छे से अंडा के साथ मिक्स करना है। अंडा को अच्छे से लगाना है। तेल गर्म हो गया, फिर एक एक करके अंडे को डालना है। अंडे का फ्राई हो गया। अभी उसी तेल में काटी हुई प्याज, दो बड़े बड़े काटी हुई प्याज डालना है। उसके बाद लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, सारे को मिक्स करना है। उसके बाद एक कटोरी में जीरा, धनिया पाउडर पानी में डाल के पेस्ट बना लिया, उसको डालना है। फिर हल्दी, कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना है। फिर छोटे छोटे टुकड़े में कटा हुआ टमाटर डालना है, डाल के स्वाद अनुसार नमक डालना है। डाल के अच्छे से नमक के साथ मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। मिर्ची भी इसी टाइम कटिंग करके डाला। देखिए अच्छा से मसाला पककर तैयार हो गया। मसाला से तेल छोड़ रही तो ये मसाला बन गया। अब इसमें गर्म पानी डालना है। देखिए गर्म पानी का उतला आ गया। अब इसमें अंडे डालना है। अंडे डाल के अच्छे से बॉयल करना है मसाला के साथ अंडे को। घर पर ट्राई करके देखिए कैसे बना है, कैसे टेस्टी लगता है, उसका कमेंट में बताना। लास्ट में धनिया पत्ता कटिंग करके गरम मसाला डाल के अभी सर्व करना है। कि बनकर तैयार हो गया हमारा अंडा करी। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।